हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। और टैली प्राइम के अंदर आज हम क्या सीखेंगे, देखिए ये टैली प्राइम हमने ओपन किया है और एक कंपनी भी ओपन है। इस कंपनी का क्या नाम है, अमित शॉपिंग मॉल, ये कंपनी का नाम है ठीक है। और लास्ट एंट्री कब हुई पड़ी है, अब यानी कि इसमें कुछ एंट्रीज भी हो गई है, ये आपको पता लग रहा है इस कंपनी को देखने से ही। टैली की मेन मेन्यू पे रहते हुए हमें जो है यहाँ से कुछ चीजें पता करना है। जैसे हमको ये पता करना है कि हमारे कंपनी में कितना कैपिटल है ठीक है, तो कैपिटल कैसे पता करेंगे। तो देखिए जब इसके कई तरीके हो सकते हैं, आप बैलेंस शीट में भी जाके पता कर सकते हैं कि कंपनी में कितना कैपिटल है ठीक है। बैलेंस शीट में जाके कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहां से नीचे आएंगे और नीचे जैसे आएंगे तो ये बैलेंस शीट दिखाई देगा, तो यहाँ पे एंटर करिएगा और ये देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ठीक है। ये देख सकते हैं ये कैपिटल अकाउंट है और ये आपकी संपत्ति है ठीक है, ये आपकी क्या है, संपत्ति है। तो यानी कैपिटल आपके पास कितना है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एसेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर कितना कैश हम यूज कर चुके हैं, तो देखिए जब आप एंट्री करते हैं ना, परचेज की एंट्री करते हैं या सेल्स की एंट्री करते हैं या किसी को पेमेंट ही करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता लगता है कि जो है कितना कैश आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम कुछ परचेज करते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर हम कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के और क्या करना है हमें, यहाँ पर आकर के डेट चेंज कर लेना है पहले, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1/7/2024, ये डेट पे हम परचेजिंग करेंगे और यहाँ पर आकर के एंटर करेंगे। अच्छा ये परचेजिंग कैश में नहीं करनी हमको, तो यहाँ देखिए कैश आ रहा है ना, तो ये कैश में नहीं करना है ठीक है। वैसे आपको नीचे करंट बैलेंस दिखाई पड़ रहा है कि 7,52,800 रुपए कैश अवेलेबल है आपके कंपनी में, कितना कैपिटल अवेलेबल है 7,52,800। तो जैसे ही यहाँ कैश का लेजर इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखा भी रहा है कि कितना कैश आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जब आप पेमेंट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा जब आप पेमेंट करेंगे, अब मान लीजिए कैश का ही लेजर आप लगा लेते हैं और एंटर करके यहां पर आते हैं, तो ये देखिए यहां पर ये कुछ इस तरीके से आएगा और ये रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे और यहां पर एक लेजर बनाएंगे क्या, परचेस का, तो यहां पे परचेस का लेजर बना देते हैं, तो PURCHASE परचेज अकाउंट कर देते हैं, तो ये हो गया परचेज अकाउंट, एंटर करेंगे। और इसका ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है, ये बात याद रखिएगा, अगर आप ग्रुप का सही सिलेक्शन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर इसे परचेज अकाउंट में डाल देंगे और नीचे आएंगे एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब स्टॉक आइटम बनाने हमें, तो अल्ट सी करके स्टॉक आइटम आप चाहे तो बना सकते हैं, या क्रिएट ऑप्शन नजर आ रहा है ना यहाँ पे, देखिए ये क्रिएट ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा, तो आप क्रिएट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, हम क्रिएट ऑप्शन पे चलते हैं या अल्ट सी भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बनाते हैं, लाइक हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्रिंटर, तो ये हो गया प्रिंटर, और ये प्रिंटर लिखने के बाद एंटर करेंगे। और आप इसका ग्रुप भी बना सकते हैं चाहे तो यहां से जाकर के एक ग्रुप आप क्रिएट कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप हो जाएगा, और यहां पर आकर के एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है या नहीं, तो फिलहाल तो इसमें जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं किया है हमने, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंटर वाला लेजर लगाते हैं ठीक है, तो अब ये भी कई बार कंप्लेन रहती है स्टूडेंट्स की कि सर देखिए ना, आप करते हैं तो सीधा हमारा आपका क्वांटिटी में आता है और हमारा अमाउंट में चला जा रहा है, तो मेरे साथ भी अब ऐसा ही हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम जैसे ही, यहाँ पर कोई लेजर नहीं है, अब हम आते हैं यहाँ पे और प्रिंटर इंसर्ट करते हैं, तो सीधा हमारा कर्सर कहाँ जाता है, अमाउंट में चला जा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, आप पहले यहाँ से बाहर आ जाइए, और बाहर आकर के आपको करना क्या है, गेटवे ऑफ टैली पर आकर के आपको जाना है अल्टर पर, गेटवे ऑफ टैली यानी कि टैली के मेन मेन्यू में आकर के और अल्टर पे जाना है, और यहां से लेजर पे जाना है, और लेजर पे जाकर के अब देखिए कौन सा था, तो लेजर पे तो नहीं, स्टॉक आइटम था हमारा, तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे, तो ये स्टॉक आइटम हम लेते हैं और प्रिंटर ही था हमारा, तो यहां पर आते हैं तो हमने यूनिट नहीं बनाएंगे तो ये दिक्कत होगी, तो यहां पर क्रिएट पे जाकर के आप पहले यूनिट बना लीजिए, तो यहां पे NOS कर देते हैं, NOS का मतलब होता है नंबर्स, और यहां पे लिख भी देते हैं, टाइप भी कर देते हैं नंबर्स इस तरीके से, और एंटर करते हैं, और यहां पे N प्रेस करते हैं तो ये नंबर्स आ जाएगा, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे ठीक है। और यहां पर चाहे तो अल्टरनेट यूनिट बना सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल कोई जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है अल्टरनेट यूनिट की ठीक है। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है, ओपनिंग क्वांटिटी मैंने डाली नहीं है ठीक है। आगे यहां से बाहर आते हैं और अब वही एंट्री हम फिर से पास करते हैं ठीक है। तो
तो ये हो गया सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, एंटर किया और यहाँ पे कैश करते हैं। तो देखिए वही 752,800 रुपए कैश अवेलेबल होगा हमारे पास, ठीक है। और एंटर करके यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो परचेज अकाउंट का लेजर, और अब यहाँ पे प्रिंटर। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे प्रिंटर का लेजर हम लगाएंगे, अब कितना कैश है ये याद रख लीजिएगा, 752,800। अगर आपको ये चीज समझनी है तो ये याद रखिएगा कि 752,800 कैश अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटर इंसर्ट किया हमने, और 5 प्रिंटर्स की बात कर रहे हैं, और एक प्रिंटर के खरीद रेट 25,000, ठीक है, कितनी है 25,000। तो यहाँ पर अब देखिए ये कैश तो आपका सेम है, कैश नहीं चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कैश आपका ज्यों का त्यों बना हुआ है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप कैश में एंट्री पास कर रहे हैं तो कैश ज्यों का त्यों बना हुआ है। एंटर करते हैं अभी कोई जीएसटी नहीं लगा रहा, ठीक है। और एंटर करके और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। आप चाहे तो नरेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED, ठीक है, ये हो गया। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो इसके बाद यहां से बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा और यहां से 2 बार डी प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा, और एंटर प्रेस करके अल्ट पी कीजिएगा और एंटर कीजिएगा और आई बटन प्रेस कीजिएगा। आई बटन प्रेस करने के बाद यहां से इसको जूम करके आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से आया हुआ है। फिलहाल हमने इसमें जीएसटी लगाया नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर अब यही एंट्री, मतलब इसी से रिलेटेड दूसरी एंट्री हम करने जाते हैं, तो 752,800 याद है ना कैश का अमाउंट, तो यहां पर आते हैं और यहां पर आते हैं, फिर 1 जुलाई को ही एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर आ रहे हैं तो अभी देखिए अमाउंट जरा ध्यान दीजिएगा, अमाउंट जो कैश का था वो घट जाएगा। अब देखिए अब ये 627,800 हो गया, यानी जो कैश आपके पास था वो खर्च हुआ। किसमें? आपने सीधा परचेजिंग किसमें करी? कैश में करी, तो आपका कैश माइनस हो जाएगा अपने आप, जो भी आपके कैपिटल में कैश होगा वो अपने आप माइनस होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर माइनस हो रहा है, 627,800 हो गया, 752,800 था अब घट गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर यही क्रेडिटर पार्टी होती तो क्रेडिटर पार्टी के लिए आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करनी पड़ती, तो यहां पर आप क्रिएट करते और फिर यहां पे क्रेडिटर पार्टी का नाम लिखते। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया पीपी कलेक्शन, एंटर किया और यहां पर यह जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। अब ये संडे क्रेडिटर हो गया और यहां पर आकर के एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, और यहां पर फिर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराना है आपको, और फिर यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। अब मान लीजिए यहां पर एक प्रिंटर की बात करते हैं, एक प्रिंटर। अब ये परचेजिंग उधार की हो गई, जैसे ही नाम आ गया पार्टी का ना, तो ये उधार की परचेजिंग 25,000 का एक है, ठीक है। एंटर करते हैं, इसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगा रहा हमें, और यहां पर इसको एक्सेप्ट कराते हैं, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधार में। तो ये हो गया। अभी देखिए यहां पर आप देख सकते हैं परचेज कितने का हो रहा है, तो परचेज हो रहा है 25,000 का, कितने का हो रहा है 25,000 का। और यहां पे करंट बैलेंस आपको परचेज में क्या दिखाई पड़ रहा है, 125,000 दिखाई पड़ रहा है ना। अब आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे, यानी भाई जो एंट्री आपने पास करी है उनको पेमेंट करना पड़ेगा ना, ये तो उधार की जो है परचेजिंग है, पीपी कलेक्शन को तो हमें परचेज करना होगा, पैसा देना होगा, तो 25,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा। और कुल मिला के हमारे पास बैलेंस अब कितना बच गया। अब यहां से बाहर आते हैं, बाहर आ गए, कौन से वाउचर में जाएंगे, वी बटन प्रेस करके पेमेंट में जाएंगे। परचेज करते हैं तो हमेशा पेमेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। और यहां पर पीपी कलेक्शन का लेजर इंसर्ट करेंगे, ऊपर डेबिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है आप उससे कोई बहुत ये मत रखिएगा। यहाँ पे 25,000 अमाउंट डालिए, ठीक है, ये डाल दिया, और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आ जाता है अपने आप। और फिर जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस आएगा तो यहाँ पर आएगा अब क्या, कैश, कैश में दिया जा रहा है। तो अब देखिए 602,800 रुपए कैश हो चुके हैं आपके पास, ठीक है, यानी जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो ये कैश घटता जाएगा। तो ये एक और वे है जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास कितना कैपिटल या कैश अमाउंट बचा हुआ है आपके कंपनी में, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।